मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हाँ, आप एक काम कीजिए, आपने पिछली बार मुझे जो दवाई दी थी ना, आप मुझे वही दवाई दे दीजिए, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। अरे उस टाइम आपको बुखार हुआ था और मैंने आपको बुखार की दवाई दी थी, तो वही दवाई मैं आपको कैसे दे दूं? आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चिंता मत करिए, तो आप मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई दीजिए। अरे कैसे दे दूं? मैंने अभी आपका ब्लड प्रेशर चेक किया ना, नॉर्मल है, आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, जरूरत कैसे नहीं है, ब्लड रिपोर्ट से ही तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या बीमारी है। आप कुछ मत बोलिए, मैं कल आपके पास ब्लड रिपोर्ट लेकर आता हूँ, आप मेरा इलाज शुरू कर दीजिए बस। पता नहीं ये चिंतामणि कल क्या रिपोर्ट लेकर आएगा, मुझे इसका ना कोई परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा, यूं ही रोज परेशान करता रहेगा। बच्चे कैरम खेल रहे हैं। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, आज हम भी कैरम खेले। हाँ चल, हो जाए दो दो हाथ। ओ चल यार, दो दो हाथ नहीं, दो दो पैग। हाँ चल 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 चल, है ना? हाँ, चल 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 चल। अरे बाबा, सोडी अंकल, पोपट अंकल, आप लोग यहाँ? आज आपका सोडा पीने का प्लान कैंसिल हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, कैंसिल नहीं हुआ बड़ा, बाहर बहुत तेज बारिश है ना, तो सोचा के क्लबों से बैठ के सोडा पियेंगे। ओ अच्छा। अरे तो बीड़ अंकल, आप लोग यहाँ पे सोडा पियोगे तो हम लोग खेलेंगे कहाँ? ये गोड़िया, हम लोग सोडा वहाँ बैठ के पियेंगे, तुम लोग यहाँ पे खेल रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा भिड़े अंकल, मतलब आप लोग वहाँ बैठकर हमारी बातें सुनोगे? ये प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है भिड़े अंकल? अरे भिड़े अंकल, गोली मजाक कर रहा है। हम लोगों का खेल के हो गया है, हम बस जा ही रहे हैं। इसको लेते ना वहाँ पे। अच्छा भिड़े अंकल, याद से जाते जाते लाइट और पंखे बंद कर। जातो कहाँ तक? भाई पंखे ले प्लीज। चल ये सी रख देते हैं। अच्छा अच्छा, सेटिंग कर भाई। हो गया, टेबल भी सेट कर दिया। हो गया ना, बाकी सारे कितने रह गए यार? अरे वाह वाह, सब मुंडा बिंडा रख दिया भाई, माहौल बना दिया माहौल। तब लोग आ गए, ये अब्दुल किधर रह गया? अरे आ जाएगा अब्दुल अय्यर भाई, आपको सोडा पी के कहीं फटाफट जाना है क्या? क्या जाना है जेठालाल, हम लोग यहाँ पर किधर ले आए हैं? थोड़ा पीने ना। तो फिर अब्दुल यहाँ पर नहीं है तो मैं पूछेगा ना कि वो किधर रह गया है? करेक्ट है जी, आप पर आ जाएगा अभी। आ गया आ गया आ गया भाई, अब्दुल आ गया भाई। चलो बस शांति अय्यर भाई। बारिश है पार? अरे बहुत बारिश है। ओ, ओ, ओ। नहीं, अच्छा हुआ हम लोग ने नक्की किया इधर बैठ कर सोडा पीने का। किसी को कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बराबर नहीं यार भाई? हाँ नहीं जाना। वाह वाह, तुम फटाफट फटाफट। लो यार भाई, अब्दुल आ गया, अभी 5 मिनट में आपको सोडा मिल जाएगा। क्या बात कर रहा है, अब्दुल आ गया है, अभी 5 मिनट में सोडा मिल जाएगा काका। ओ जेठालाल, मेरे को सुनाई देता है, पर अब्दुल आया है तो सोडा मिलेगा ही, मालूम है मेरे को। क्या बात है, मुझे लगा नहीं सुनाई दिया भाई। मिलेगा मिलेगा, चटाकेदार मसालेदार सोडा पीने को मिलेगा। हेलो, हाँ हाँ अब्दुल बोल रहा हूँ, क्या चाय पत्ती 250 ग्राम का पैकेट है? नहीं नहीं, ये तो चांस ही नहीं है। अरे बाबा, नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है।
बोल रखिए। क्या हुआ अब्दुल, कौन है? फोन गुस्से में क्यों काटा? पता नहीं कोई कस्टमर था, बोल रहा था कि उसे 50 ग्राम चाय की पत्ती चाहिए। मैंने बोला 50 ग्राम नहीं मिलेगा, कम से कम 250 ग्राम का पैकेट लेना पड़ेगा। मुझे बोलता है कि वो 250 ग्राम का पैकेट तोड़ के उसमें से 50 ग्राम मुझे दो। बोलो। सॉलिड नमूना है। ऐसे चाय के पैकेट में से 50 ग्राम चाय निकालने को कौन बोलता है? क्या बोलूं पोपट भाई, दिन में ऐसा एक कस्टमर तो आ ही जाता है, नमूना। नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर बोल रहा है अब्दुल, मेरी दुकान में भी पूरे दिन में एकाध नमूना तो ऐसा मिलता ही है। अभी आज सुबह की बात है, आज एक कस्टमर माइक्रोवेव ओवन खरीदने आया। ये देखिए सर, ये है लेटेस्ट माइक्रोवेव ओवन। इसमें आपका कोई भी खाना कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट में गरम हो जाएगा। अच्छा, तो डेमो दिखाइए। लाइए, क्या क्या गरम करना है लाइए, अभी डेमो दिखा देता हूँ। ये मेरा सब्जी गरम करके दिखाइए। हो गया। एकदम मस्त गर्मा गर्म हो गए आपकी सब्जी सर, ये लीजिए सब्जी गर्म। अच्छा, दाल कितने टाइम पे गर्म होती है? ये यही 45 सेकेंड। लाइए, इसे भी गर्म करनी है, कोई बात नहीं। ये हो गई आपकी रोटियां गरम, मस्त गर्मा गरम हो गई, रख दीजिए। वाह, इसमें तो मेरा पूरा टिफिन गरम हो गया। तो? और ये कितनी देर तक गरम रहेगा? ये मतलब समझिए ना, आप जब तक खाना खाएंगे तब तक तो गरम रहेगा ही रहेगा। ओके, थैंक यू। अरे एक मिनट सर, क्या हुआ, खरीदना नहीं है? वो मेरी ऑफिस बाजू में ही है, तो पहले मैं खा के देखूंगा कि ये कितने टाइम तक गर्म रहता है, फिर शाम को आके खरीदता हूँ। जी एक काम कीजिए सर, आपका फोन नंबर मुझे दे दीजिए। क्यों, फोन नंबर क्यों चाहिए? नहीं, अगर ऑफिस के काम में आप भूल गए तो मैं आपको फोन करके याद दिला दूंगा कि घर जाते वक्त आपको माइक्रोवेव ओवन खरीदना है। ओ नाइस, थैंक यू, आता हूँ शाम को। ओके। अरे सर सुनिए, आता हूँ। अरे सर नंबर तो दे। रहने दे भाई, वो नहीं देगा नंबर अपना, वो इधर खाली खाना गर्म करने ही आया था। क्या? हाँ। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। आइए भाई सब बोलिए। आपके पास वॉशिंग मशीन है? जरूर, बका वॉशिंग मशीन दिखाओ। जी, लेकिन वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाला नहीं, आप धोने वाला चाहिए। कस्टमर आ रहे हैं, भाग भाग यहां से, चल भाग। पापी कहीं का पापी है? शांत शांत बगा शांत। अरे लेकिन क्या है ये सेठ जी, पाप धोने के लिए वॉशिंग मशीन? बेटा दुनिया ऐसी ही है, नटू काका ले जाइए जरा, इसको बिठाइए जरा, शांत कीजिए। अरे क्या ये पाप धोने के लिए वॉशिंग मशीन? अरे शांत शांत। अरे ये तो अब्दुल के कस्टमर से भी बड़ा नमूना निकला। तो अरे सॉलिड आइडिया लगाया उसने, देवो के नाम पर अपना लंच गरम करके चला गया। और वो पाप धोने वाली मशीन है क्या? असो कोड विचार था बगना। ओए पिडू, ये तो कुछ भी नहीं,
और पिछले हफ्ते एक टॉप क्लास का नमूना अपनी गड्डी लेके मेरे गैराज में आया थी। भाई साहब गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाना है तो क्या आप कर सकते हो? कर सकते हो मतलब वो क्या वजह गल्ला कर रहे हो? वो छोटी गैराज में इम्पॉसिबल भी कहता आई एम पॉसिबल। और तुसी दसो मॉडिफिकेशन क्या करवानी है? भाई साहब ये जो कार की जो स्टीयरिंग है स्ट्रिंग निकाल के आप सेंटर में लगा दो। तोड़े कहने का मतलब है कि ये जो राइट साइड पे स्टीयरिंग लगा है उसको आपको सेंटर में लगाना है? पर ऐसा क्यों करना है? इसका स्टीयरिंग जो है राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड के मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है और गाड़ी जो है ना हमेशा ठुकती रहती है। ये देखिए, देखो तेरी। तो भाई साहब आप जो स्टीयरिंग को राइट से निकाल के सेंटर में लगा दो ताकि मुझे लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट बराबर मिलेगा और गाड़ी भी नहीं ठुकेगी। नहीं नहीं भाई साहब, ये राइट का स्टीयरिंग हम सेंटर में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है मत करो। मैं पुरानी गाड़ी के स्टीयरिंग लाया हूँ, अब उसको लगा दो। एक मिनट, ये लो अब इसको सेंटर में लगा दो। ओ भाई साहब, ये राइट का स्टीयरिंग सेंटर में लगाने के लिए ना पूरी गाड़ी की इंजीनियरिंग चेंज करनी पड़ती है। वो मैं क्या कोई भी गैराज वाला नहीं लगा सकता। फड़ो, इसका मतलब आपको काम आता ही नहीं है। ओए, वो फालतू की बात करके मेरा दिमाग गरम ना कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है मत करो। आपको स्टीयरिंग नहीं लगाना है मत लगाइए, आप एक मेरा दूसरा काम कर दीजिए। दसो मेरी कार की एसी खराब है और मेरे घर पे जो है ना एक पुराना विंडो एसी पड़ा है, आप उसको फिट कर दीजिए। ओए खोतिया, और तू मेरे दिमाग का इंजन गरम ना कर। और दफा हो जा अपनी गड्डी यहां से लेके। ओए गल कर रे, वो स्टीयरिंग सेट पर लगा दो। वो विंडो एसी गड्डी में कौन लगा दो? विंडो एसी गड्डी में पता नहीं कहां से आ जाते नमूने। दफा हो जा यहां से पाजी। ठंड रखो, पता नहीं कहां से आ जाते नमूने। सवेरे सवेरे दिमाग खराब करने। ठंड रखो पाजी। ओए कड इनू बाहर यार। सोडी, तुम्हारे गुस्से का उस पे कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा? ओ ना जी ना, मैं तो साहब वो नमूना ऐसा टॉप क्लास का था कि वो अगले दिन ट्रक का टायर लेके आया और मुझे कहा कि मेरी गड्डी में फिट कर दो। अरे ट्रक का टायर सोना रेडी है। कमाल है, कमाल। अरे अब्दुल भाई तेरा ग्लास किधर है? मेरा गिलास यार। अरे तू भी ले, ले बैठ बैठ भाई, पी हमारे। हाँ हमको तेरी कंपनी का लाभ दे भाई। चलो चीयर्स 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 चीयर्स। वैसे जोड़ी तुम्हारा वाला नमूना ना अव्वल दर्जे का निकला है ना? सच सच। लेकिन बिड़े तू बहुत लकी है, तेरा ऐसे नमूनों से कभी बाला नहीं पड़ता होगा। नहीं नहीं पोपटलाल, दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते है? मेरा भी नमूनों से पाला पड़ता ही है। अच्छा, अभी दो दिन पहले की बात है, मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे को लेकर। आप निश्चिंत हो जाइए, अभी आप मेरे पास आए हैं, आपके बेटे को कल से मेरे पास ट्यूशन के लिए भेज दीजिए, मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, देखना इसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। एक मिनट सर, एक। हाँ ये लीजिए। ये क्या है? स्टैम्प पेपर। लीजिए लीजिए। स्टैम्प पेपर? हाँ। मैं शिक्षक आत्माराम भिड़े गारंटी लेता हूँ कि मैं आपके बेटे चिराग को पढ़ाऊंगा और वो परीक्षा में 95% के ऊपर मार्क्स लाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको पूरा हक है कि आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। अरे ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है सर, मैं तो बस गारंटी मांग रहा हूँ। अरे ऐसी गारंटी कौन लेता है? अभी आपके बेटे को 95% के ऊपर मार्क्स आएंगे, गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ? हाँ इसको अच्छे से पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, वो मेरा काम ही है। अभी एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम तो यही देगा ना, मैं थोड़ी दे सकता हूँ। नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते गारंटी? जब हम मार्केट से कुछ खरीदते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो तो हमें गारंटी देते हैं। जब हम आपको फीस दे रहे हैं तो आप गारंटी क्यों नहीं ले सकते? अरे आप समझ ही नहीं रहे भाई साहब, मैं घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूँ, चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा ना। देखिए ये सब उदाहरण हमें मत दीजिए,
आप गारंटी नहीं ले सकते तो मत लीजिए। हम अपने बेटे को खुद पढ़ा लेंगे, वो भी फ्री में। चल बेटा चल। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बताओ क्या जमाना आ गया, लोग शिक्षक से अच्छे मार्क्स की गारंटी मांगते हैं। बोलो। नमूनों की कमी नहीं है। देखो ना मेहता साहब, पर ऐसे कई नमूने आते हैं मेरे पास। अच्छा, हमारे आते भाई का अच्छा है, इनकी दुकान पर ऐसे कोई नमूने पेशेंट नहीं आते होंगे। दुकान? दुकान? ओ, मेरा मतलब है क्लिनिक। क्लिनिक? ऐसी बात नहीं है पोपटलाल, मेरे क्लिनिक में भी नमूने आते हैं। ऐसा ही एक नमूना है चिंतामणि, जो मेरा पेशेंट है। थोड़े दिन पहले ही हमारे पास वाले एरिया में शिफ्ट हुआ है। वो चिंतामणि हमेशा बीमारियों की चिंता में डूबा रहता है, उसे दवाइयां खाने का शौक है। बोलो। अरे ओ यारो, लोगों को खाने पीने और घूमने का शौक होता है, लेकिन इस नमूने को दवाइयां खाने का शौक है। बड़ा अजीब बंदा है। हाँ, चिंतामणि को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उसे लगता है कि उसे सब बीमारियां है। रोज कोई ना कोई बीमारी का बहाना बनाकर आता है और मुझसे दवाई मांगता है। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो बहुत बड़ा नमूना है। लगता है उसको वहम है। सही बात है भिड़े मास्टर, ये वहम वाली बात उसे समझाने जाता हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना तो एक पेशेंट की वजह से डॉक्टर पेशेंट बन जाएगा। रोज आता है नई नई बीमारियों का बहाना बनाकर दवा लेने, परेशान कर दिया है मुझे। वातिप्रा, वो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, उसे कुछ दवाई सुवाई दे के छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? सोरी, वो बिल्कुल ठीक है तो ऐसे कैसे दवाई दे दूं? ये हमारे डॉक्टरों के उसूलों के खिलाफ है। वाह वाह आतिफ भाई वाह। तो आतिफ भाई, पेशेंट को किसी और डॉक्टर के पास भेज दो और बोल दो कि तेरे दर्द की दवा मेरे पास नहीं है। वो भी कोशिश कर ली अब्दुल, पर वो किसी और डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं है। पर ऐसा क्यों आतिफ भाई, वो आपके पास ही दवाई लेने क्यों आता है? एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार वो सच में बीमार पड़ गया, किसी और डॉक्टर से ठीक ही नहीं हो रहा था, फिर वो मेरे पास आया तो तुरंत ठीक हो गया। तब तो उसको मेरे पर ही विश्वास है। तो बराबर है ना डॉक्टर आती, अभी वो लाइफ टाइम तुम्हारे पास में ही आएगा। तो क्या है, उसको पूरा भरोसा हो गया है कि वो तुम्हारे मेडिसिन से ही हमेशा ठीक हो सकता है। हाँ बराबर है। हेलो। हाँ बोलिए। कल ठीक है, आइए। ओके। अरे बाप रे, क्या हुआ? चिंतामणि का फोन था, वो कल सुबह वापस आएगा, मुझे परेशान करेगा। ओए हाथी ब्रा, तुसी कहो तो मैं उसे अपने तरीके से समझाऊं। नहीं नहीं सोरी, तू रहने दे, तू उसे समझाएगा तो फिर आएगा ही आएगा पेन किलर लेने। मैं उसे अपने तरीके से ही समझा दूंगा। अब्दुल इसे रख दे। हाँ। चलो मैं चलता हूं। बेचारे हाथी ब्रा। कोई बात नहीं सोरी, कल मैं ऐसा सुविचार लिखूंगा इसे पढ़ने के बाद वो चिंतामणि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। भगवान तेरी इस दुनिया में है भांति भांति के लोग, कुछ मिले तो मौज, कुछ मिले तो बने मुसीबत के योग। किसी ने खूबी कहा कि दुनिया एक रंगमंच है जो अलग और अनोखे किरदारों से भरी हुई है। कभी ऐसे किरदार से मुलाकात होती है जो आपको खुश कर जाते हैं, तो कभी ऐसे किरदार मिलते हैं जो आपको जिंदगी भर की याद दे जाते हैं। जीवन में अलग अलग किरदार आते जाते रहते हैं। आज जिस किरदार की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है चिंतामणि। जिसकी नाम में चिंता हो, आप सोचिए अगर वो आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपकी जिंदगी की चिंता लगभग बढ़ना तय ही है।
क्या ये चिंतामणि हाथी भाई की चिंता बढ़ाएगा? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हाथी भाई की नहीं बल्कि पूरी गोकुल धाम की चिंताएं बढ़ाने वाला है। चिंतामणि की जो मनगढ़ंत बीमारी की चिंता है वो आगे जाके क्या गुल खिलाने वाली है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाबूजी क्या अभी तू चिल्लाया? हाँ क्यों? एक अजीब सी आवाज आई बाबूजी तो मैं एकदम डर गया। नहीं भाई अजीब आवाज नहीं थी, मैंने छींक खाई, तूने तो मुझे डरा दिया। अरे बाबूजी छींक खा के पहले आपने मुझे डरा दिया। अरे मैंने छींक खाई उसमें तू डर गया? अचानक छींक खाई ना उसमें डर गया मैं। बाबूजी छींक तो अचानक ही आती है ना, बोलते थोड़ी आती है कि मैं आ रही हूँ, रेडी रहो, डरना मत।